मेरे परिवारजनों, आज दुनिया में जिस तरह के हालात है उसमें भारत से अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे अहम समय में ये बहुत जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें, देश में शांति का वातावरण बना रहे और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारत तब तक सुरक्षित है जब तक इसकी सीमाओं पर हिमालय की तरह अटल और अडिग ये मेरे जांबाज साथी खड़े हैं। आपकी सेवा के कारण ही भारत भूमि सुरक्षित है और समृद्ध के ये मार्ग पर प्रशस्त भी है। पिछली दिवाली से इस दिवाली का जो कालखंड रहा है, जो एक साल गया है, वो विशेष तौर पर भारत के लिए अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा हुआ है। अमृतकाल का एक वर्ष भारत की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक वर्ष बना है। बीते एक वर्ष में भारत ने चंद्रमा पर वहां अपना यान उतारा जहां कोई देश पहुंच नहीं पाया। इसके कुछ दिन बाद ही भारत ने आदित्य L1 की भी सफल लॉन्चिंग की। हमने गगनयान से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण भी सफलता से पूरा किया। इसी एक साल में भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ। इसी एक साल में भारत ने तुमकुरू में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की शुरूआत की। इसी एक साल में बॉर्डर इलाकों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। आपने देखा कि खेल की दुनिया में भी भारत ने अपना परचम लहराया है। सेना और सुरक्षा बल के कितने ही जवानों ने भी मेडल जीतकर लोगों का दिल जीत लिया है। बीते एक साल में एशियन और पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल की सेंचुरी बनाई। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हमारी महिला खिलाड़ियों ने विश्व कप जीता है। 40 वर्षों बाद भारत ने IOC की बैठक का सफल आयोजन किया है। साथियों, पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का कालखंड भारतीय लोकतंत्र और भारत की वैश्विक उपलब्धियों का भी वर्ष रहा है। एक साल में भारत ने संसद की नई इमारत में प्रवेश किया। संसद की नई इमारत में पहले सत्र में ही नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ। इसी एक साल में दिल्ली में G20 का सफलतम आयोजन हुआ। हमने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन और ग्लोबल बायोफ्यूलर अलायंस जैसे महत्वपूर्ण समझौते किए। इसी कालखंड में भारत रियल टाइम पेमेंट के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना। इसी कालखंड में भारत का एक्सपोर्ट $400 बिलियन को पार कर गया। इसी समय में ग्लोबल GDP में भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। इसी समय में हम 5G यूजर बेस के मामले में यूरोप से भी आगे निकल गए। साथियों, बीता एक साल राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण राष्ट्र बना है, महत्वपूर्ण वर्ष बना है। इस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने कई उपलब्धियां हासिल की है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बन गया है। इसी कालखंड में हमने दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज सेवा की शुरुआत की। देश को अपनी पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत का उपहार मिला। भारत के 34 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भरने लगी है। हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का श्रीगणेश किया। दिल्ली में 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि और भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत एशिया के सबसे अधिक विश्वविद्यालयों वाला देश बन गया है। इसी दौरान
कच्छ के धोरडो सीमावर्ती गांव, रेगिस्तान का गांव, छोटा सा गांव धोरडो, उस गांव को संयुक्त राष्ट्र से बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। हमारे शांति निकेतन और होयसाला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुए।